हेलो दोस्तों, अगर आप भी BSNL का सिम यूज़ करते हैं, BSNL सिम चलाते हैं अपने फ़ोन के अंदर और यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नो सिग्नल लिखा आता है। जब भी आप यहाँ पे किसी को कॉल करते हैं या फिर मोबाइल डेटा हमारा ऑन करने की हम कोशिश करते हैं तो यहाँ पे नो सिग्नल की प्रॉब्लम आती है। तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे और नो सिग्नल क्यों लिखा रहा है, सिग्नल कैसे आएगा आपका, नेटवर्क कैसे मिलेगा, इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो जो सेटिंग्स आपको करनी है उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग खोल लेनी है। सेटिंग खोलने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना है नेटवर्क वाले ऑप्शन के अंदर, या फिर आपके फ़ोन में कनेक्शन हो सकता है, मोबाइल एंड नेटवर्क हो सकता है, तो जो भी ऑप्शन है आपका नेटवर्क से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड, उसके ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पे सिम कार्ड मैनेजर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपका जो सिम है वो शो हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो सिम कार्ड आपने ऑन कर रखी है यानी सिम आपका यहाँ पे ऑन होगा, आपको सिम को सिंपली यहाँ पे बंद कर देना है। ठीक है, सिम को अपनो बंद कर देना और उसके बाद कुछ टाइम के बाद 10 से 15 सेकेंड बाद दोबारा से इसको चालू कर देना। तो जैसे आप इसको चालू करोगे यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर अभी भी आपको दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी आपका यही प्रॉब्लम है नो सिग्नल वाला, तो आप क्या करना, अपने फ़ोन का फ्लाइट मोड लगा देना या एरोप्लेन मोड ऑन कर देना। ठीक है, यहाँ पे एरोप्लेन मोड हमने लगा दी है, फ्लाइट मोड ऑन हो चुकी है। इसको आपको 1 मिनट तक रखना है और उसके बाद इसे बंद करना है और हमें यहाँ पे जो है मोबाइल डेटा वापस या फिर आपका जो है नेटवर्क वो चेक करना है, तो आपका जो नेटवर्क है वो आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा कम आ जाए लेकिन आपको थोड़ा बहुत जो है सिग्नल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत नेटवर्क इससे आपका मिल जाएगा। तो ये आपको सेटिंग बस कर लेनी है, इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो आप वापस से जो है कनेक्शन वाले ऑप्शन पर चले जाना। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क से जाना है, यहाँ पे नेटवर्क मोड लिखा आएगा तो इसके ऊपर आप क्लिक करके 4G या फिर आपका जो भी LTE है आपका जो सबसे ऊपर होगा उसको लगाकर ट्राई करना। अगर उससे नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे 2G को लगा देना थोड़ी देर के लिए और 2G को लगाने के बाद चेक करना, आपका यहाँ पे नेटवर्क शो होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी कुछ टाइम के बाद आप वापस इसको जो है 4G या LTE को जो है लगाकर अपना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।